आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के हाईलाइट मुकाबले के बारे में जहां पर आईपीएल 2024 के एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दे दी है और चेन्नई सुपर किंग्स की मौजूदा सीजन में ये तेरह मैचों में सातवीं जीत है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की बारह मैचों में से ये चौथी हार रही है तो वहीं दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के सतरवें सीजन में मैच नंबर इकसठ में चेन्नई सुपरकिंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट हरा दिया है और बारह मई को चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टीम को जीत के लिए एक सौ बयालीस रन का टारगेट दिया था जिसे उसने अठारह दो ओवर में हासिल कर लिया तो वहीं सीएसके के मौजूदा सीजन में ये तेरहवीं मैचों में से सातवीं जीत रही है तो वही वो तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है और दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की ये बारह मैचों में से चौथी हार रही है जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इकतालीस गेंदों पर बयालीस रन की नाबाद पारी खेली जिसमें दो चौके और एक चौका शामिल था वहीं ऋतुराज छिपा के स्लो पिच पर अंत तक डटे रहे और टीम को जीत दिराई वहीं ओपनर रचित नवेंद्र ने दो चौके और एक छक्के और एक चौक की मदद से 18 गेंदों पर सत्ताईस रन बनाए और राजस्थान के लिए आर अश्विन ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए तो वहीं यजुधर चहल और नांदे बरकर को एक एक विकेट मिला तो दोस्तों ये रही क्रिकेट क्रिकेटमुट की तरफ से आईपीएल के एकसठ में मुकाबले की हाईलाइट मैच वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद